रोशनी इसकी अंधेरों को मिटा देती है। जिंदगी अपनी ये खैरों पे लुटा देती है। इसका मकसद तो है दुनिया को सजाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है, शमा जलती है। मैंने अपने बारे में सबके दिलों में ये बात बहुत अच्छी तरह से बिठा दी थी कि उस घर में मुझसे अच्छा और कोई है ही नहीं, क्योंकि यही मेरा मकसद था कि इस तमाम जायदाद का अकेला मालिक मैं होऊंगा। मैं तो बस देख रही कि घर के सारे लोग जायदाद के बंटवारे की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी किया है वो अल्तमश ने किया है। नहीं, हाँ, हजूरी आला बनकर कैफ भाईजान को कत्ल के जुर्म में फंसाने वाला भी वही है। अब उसे बदला लेने के लिए अल्तमश ये सब कुछ कर रहा है। बेगम, क्या हुआ कोर्ट में? कोर्ट में वही हुआ बेगम जो होना था। मैं अल्तमश की जमानत रद्द करवा के आ रहा। आपको तो पता है ना कि असगर और शहनाज मानने को तैयार नहीं थे कि हुजूर आला अल्तमश ही हैं, लेकिन अब वो ही नहीं सब मानेंगे। मैं इस बात का सबूत दूंगा कि इन सारी साजिशों के पीछे अल्तमश का हाथ है। सारा के कत्ल के पीछे भी उसका हाथ है और कैफ को जेल भिजवाने के पीछे भी उसका हाथ है। सब मानेंगे इस बात को, मैं साबित करके दिखाऊंगा। क्या इस किताब के जरिए ये बात साबित हो पाएगी? बेगम, वो किताब तो अल्तमश की हकीकत को मेरे सामने लाने का एक जरिया थी। अब अल्तमश पुलिस के सामने जाकर सब खुद बताएगा, खुद उगलेगा, और आप देखिए दोबारा गिरफ्तार होगा अल्तमश। लेकिन क्या आपके इस कदम से सवाल नहीं उठाए जाएंगे? अल्तमश जैसा भी है आपका दामाद है। दुनिया ये जानती है कि सोहा आपकी अपनी बेटी है। बेगम, जिसे जो सोचना है सोचने दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप तो हकीकत जानती है ना, सोहा हमारी बेटी नहीं है, सोहा हमारी कुछ नहीं लगती, लेकिन कैफ मेरा बेटा है। कैफ के खिलाफ कोई भी साजिश करेगा मैं उसे हरगिज माफ नहीं करूंगा। और दुनिया को जो सोचना है अब उसे सोचने दीजिए। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जवाहर ये बात कैसे भूल गया है कि आखिर अल्तमश उसकी बेटी सोहा का शौहर है, उसका सुहाग है। न जाने कौन सा जुनून सवार है उन पर। अब रिश्तों की कदर तो उन्हें पहले भी नहीं थी, और अब तो अल्तमश की जमानत रद्द करा के उन्होंने रिश्तों का मजाक उड़ाया। आखिर जमाल क्या चाहता है? अबू, वो अल्तमश को मुजरिम समझने लगे, इसीलिए उन्होंने एक कदम उठाया। तो क्या अल्तमश की जमानत रद्द करवा देने से अल्तमश दोबारा गिरफ्तार हो सकता है? जी अबू, अफसोस, अल्तमश की गिरफ्तारी हो सकती है, और उस गिरफ्तारी की बुनियाद भी आप ही का वो बयान है। जब शमा ने आपको फोन करके बताया था कि उसे अगवा अल्तमश ने करवाया। या अल्लाह, इस मामूली सी गलती की अब हमें और कितनी सजा दी जाए। इस छोटी सी बात को एक गुनाह बना दिया गया है। अब ये बात हमारे दिल पर एक बोझ बनकर रह गई। नहीं अब्बू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। नहीं, असगर और शहनाज ने हमें ही कसूरवार ठहरा दिया, और दोबारा अगर कुछ हुआ तो
हमारी इस दिल पर एक नई चोट आएगी। अकबर किसी भी तरह से अल्तमश की गिरफ्तारी को रोकना होगा। मैंने इस बात की कोशिश की थी अब्बू, जैसे ही मुझे पता चला कि जमाल भाईजान ने अल्तमश की जमानत रद्द कराई है, मैंने अपनी तरफ से जमानत की कोशिश की थी, लेकिन अल्तमश को जमानत नहीं मिल सके। तो अब क्या होगा अकबर? अब्बू अब तो यही होना है कि किसी भी वक्त अल्तमश की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस कभी भी अल्तमश को गिरफ्तार कर सकती है। तो अल्तमश से कहो कि कहीं जाकर छुप जाए, दोबारा अगर गिरफ्तार हुआ तो पुलिस उसके साथ न जाने क्या सलूक करे। अबू कानून से भागकर अल्तमश बेगुनाह होते हुए भी कानून की नजर में गुनहगार बन जाएगा, और अगर अल्तमश गिरफ्तार भी हो जाता है तब भी पुलिस उस पर उंगली नहीं उठा सकती अबू, क्योंकि वो एक वकील है और सब कुछ जानता है। इस बारे में मैंने असगर को आगाह कर दिया है अबू, अब देखिए क्या होता है। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। अल्तमश, अल्तमश, अकबर भाईजान का फोन आया था, जमाल भाई ने तुम्हारी जमानत रद्द करवा दी है, पुलिस कभी भी आ सकती तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने के लिए। मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता आपको। तुम नहीं डरते लेकिन हम तो डरते हैं ना अल्तमश, गिरफ्तार होना कोई मामूली बात नहीं, एक बार तुम गिरफ्तार हो गए तो ना जाने ये मामला सुलझते सुलझते कितना वक्त लग जाए, और फिर पता नहीं तुम्हारी जमानत हो सकेगी या नहीं। जमाल भाईजान ने एक और इल्जाम लगा दिया कि तुम ही हुजूर आला हो। आखिर कौन है ये हुजूर आला? मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि ये हुजूर आला है कौन, और मैं इसका पता लगा के रहूंगा। उसका पता नहीं लग सकता। मेरा मतलब ये कि उस आदमी का पता तो तब लगेगा जब इस नाम का कोई आदमी होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस नाम का कोई आदमी है ही नहीं। जमाल भाई अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं। लेकिन अल्तमश, इस हकीकत तक पहुंचने के लिए तुम्हारा आजाद रहना जरूरी है। हाँ अल्तमश, तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए तुम्हें इस गिरफ्तारी से बचना होगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं कानून और पुलिस से भागता फिरूं? नहीं अब्बू, कानून और पुलिस से वो लोग भागते फिरते हैं जिन्होंने कोई जुर्म किया, और मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। मुझे कानून और पुलिस से भागने की कोई जरूरत भी नहीं है। अल्तमश, तुम फिर से जिद वाली बात कर रहे हो। पिछली बार जमाल भाई ने रिश्तों की अहमियत रखते हुए तुम्हें जमानत दिलाई थी, लेकिन अब वही जमाल भाई तुम्हारे दुश्मन है। तुम पुलिस के हाथों नहीं आओगे अल्तमश, तुम्हें हमारा वास्ता है। अल्तमश, हम तुम्हारे वालदेन हैं, और जब तक तुम खुद वालदेन नहीं बन जाते हमारे दिल को नहीं समझ पाओगे। क्या तुम शहनाज की आंसुओं को नजरअंदाज कर सकते हो? लेकिन अबू, तुम कहीं भी रहो अल्तमश, कम से कम दिल को ये सुकून तो रहेगा कि तुम आजाद हो। दिल में हमेशा ये डर तो नहीं रहेगा कि ना जाने पुलिस तुम्हारे साथ कैसा सलूक कर रही, तुम्हें वहां चैन की नींद आ रही होगी या नहीं। नहीं, तुमने खाना खाया होगा कि नहीं अल्तमश,
गिरफ्तारी तुम्हारी होगी लेकिन सजा हमें मिलेगी। हमें पिछली बार जब तुम गिरफ्तार हुए थे तो मुझ पे क्या बीती थी ये सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ। अल्तमश पुलिस यहाँ आए उससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। चले जाओ यहाँ से अल्तमश, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरा वास्ता अल्तमश, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। हाँ अल्तमश, अकबर भाईजान ने कहा था कि पुलिस किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। तुम जाओ यहाँ से, चलो चलो आओ मेरे साथ। चलो बहुत बड़ी गलत फहमी में इंस्पेक्टर, मैंने वो सब कुछ नहीं किया है। शमा को लेकर के हमारे डिपार्टमेंट की जो बदनामी हो रही है वो तभी धुलेगी जब शमा को हम बरामद करेंगे। और अब आप खुद बताएंगे कि शमा कहाँ है और किस हालत में है। इंस्पेक्टर मुझे नहीं पता कि शमा कहाँ है, मैं खुद उसे तलाशने में लगा हूँ। एक बार तो आप कानून का सहारा लेकर बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। आप खुद कबूल करेंगे, वो सब कबूल करेंगे जो हमारे सामने आया है। वो सब झूठ है इंस्पेक्टर। एडवोकेट जमाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? सुना है वो आपके ससुर हैं और आप उनकी बेटी के शौहर हैं। अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो एक ससुर अपने दामाद के खिलाफ ऐसी बातें क्यों करेगा? खुद को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है इंस्पेक्टर साहब, और वही वो कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। जो इल्जाम उन्होंने मुझ पे लगा है, दरअसल वो सारे गुनाह उन्होंने खुद किए हैं। उन्होंने तो आप पर ये भी इल्जाम लगाया है कि उनकी बहू सारा का कत्ल करके कैफ को फंसाने वाले आप हैं। तो क्या अपनी बहू सारा का कत्ल भी उन्होंने किया है? इंस्पेक्टर सारा का कत्ल चाहे जिसने भी किया हो, लेकिन अपने बेटे का गुनाह, अपने बेटे का गुनाह भी वो मेरे सर मरना चाहते हैं। वाह, ससुर दामाद पे इल्जाम लगा रहा है और दामाद ससुर को मुल्जिम ठहराता है। देखते हैं। शमा जलती है पिघलती है जमाने के। शमा जलती है पिघलती है जमाने के लिए। अल्तमश को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। नहीं। हाँ, एक बार फिर कानून का सहारा लेकर हमारी खुशियों पर चोट की गई। अरे क्या किया है मेरे बेटे ने कि सब उसके दुश्मन बन बैठे हैं? जब इस घर में खुशियों का बसेरा था तो ये समझ में नहीं आता था कि अल्तमश सिर्फ मेरा बेटा है, और आज जब वो मुसीबत में है तो आप में से कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा है। अल्तमश के लिए जितनी मोहब्बत पहले हमारे दिल में थी आज भी उतनी ही मोहब्बत है। तुम्हारे मुंह से ये जानकर कि अल्तमश को फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो हमारा दिल भी रो रहा है। अल्तमश की गिरफ्तारी की वजह कुछ और नहीं, आपका दिया हुआ बयान, वही बयान। नहीं शहनाज, वजह वो बयान नहीं है। अल्तमश की गिरफ्तारी की वजह बने हैं जमाल भाईजान, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ पर आज बुलाया है ताकि उनसे पूछा जा सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा करते हुए उन्हें सुबह का ख्याल क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ। सोहा का ख्याल मुझे बार बार आया,
लेकिन मैं उस शख्स को कैसे माफ कर सकता हूं जिसने मेरे खानदान को बर्बाद करने की कोशिश की है, तबाह करने की कोशिश की है, जिसने मेरे बेटे के खिलाफ साजिश करके उसे फंसाया है, जिसने मेरी बहू सारा का कत्ल किया है। बकवास बंद कीजिए भाईजान। अल्तमश के ऊपर क्या यही इल्जाम लगाना बाकी रह गया था? माना कि अल्तमश ने अब तक आपकी बेटी को अपनी शरीके हयात कबूल नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि उसे सबक सिखाने के लिए आप उस पर इतना संगीन इल्जाम लगाए। ये इल्जाम नहीं है अकबर, ये हकीकत है, और मैं उसे सबक सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसने मुझे जवाब देने के लिए यह सारी साजिश सोच समझ कर रची है। हुजूरे आला बनकर उसने मुझे धमकाया है बार बार। आपके घर में आपकी बहू सारा की जो हालत थी वो किसी से छिपी नहीं है। सब जानते हैं कि आप सारा को तलाक दिलाकर दूसरी बहू घर में लाना चाहते थे, और पुलिस के पास जो कैफ की डायरी मिली है उसमें सारी बात लिखी है कि कैफ सारा को मारने के इरादे से उसे माथेरान ले गया था, और आप कहते हैं कि उसे किसी हुजूरे आला ने कत्ल किया है, और वो है अल्तमश। हाँ, वो अल्तमश है। और उस बात का सबूत है वो खत जो उस रात मुझे हुजूरे आला के नाम से मिला था, जो अल्तमश ने मुझे भेजा था। आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो खत अल्तमश ने ही भेजा था? हुजूरे आला अल्तमश के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्तमश ने हर दम मुझ पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है, और जब उसे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो मुझे जवाब देने के तौर पर उसने ये साजिश रची है, ये ढोंग रचा है। ये है वो खत जिसमें लिखा है कि मेरा बेटा कानून के जाल में फंसने वाला है। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। शमा जलती है, पिघलती है जमाने के लिए। लीजिए लीजिए, यही है वो खत। पढ़ो इसे, शायद तुम्हें समझ में आ जाए कि इस साजिश के पीछे किसका हाथ है। हुजूर आला, हम निवाला हम प्याला, मैंने आपको मना किया था, लेकिन मैं ये भी जानता था कि आप ये खत खोलकर जरूर पढ़ेंगे। इस वक्त आपका बेटा जहां भी है बहुत बड़ी मुसीबत में है। वो वीराने में जिस मकसद के लिए गया है बहुत बड़ी बेवकूफी की है उसने, और यहीं से शुरुआत होती है बर्बादी की दास्तान। हाँ हुजूर आला, अब आपका बेटा बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुसीबत को दावत उसी ने ही दी है। इस खत को खोलकर अपनी बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिया। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि उस रात क्या हुआ होगा। इसी खत को पढ़ने के बाद मैंने माथेरान में कैफ को फोन किया था, और थोड़ी ही देर के बाद मुझे पता चला कि सारा का कत्ल हो चुका है। भाईजान, ये सब कोर्ट के दाव पेच है, आप इसे कोर्ट में दिखाइएगा। बड़े आए हाथ में खत लेकर और दावा कर रहे हैं कि ये खत आपको किसी हुजूरे आला ने लिखा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खत आप ही ने किसी से लिखवाया हो? जवाना,
अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस खानदान के पीछे क्यों पड़े हैं आप? आप लोगों को मेरी बात पर यकीन तभी आएगा जब अल्तमश खुद कबूल करेगा कि वही हुजूर आला है और उसी ने सारा का कत्ल किया है। और ये बात मैं भरी अदालत में साबित करके रहूंगा। कैसे बाप हैं आप जो अपने ही बेटे को बेवा बनाने के मंसूबे पाल रहे हैं? आपकी सोच इतनी गिर गई है कि आपको अपनी बेटी तक का ख्याल नहीं है? उसी के सुहाग से खेलना चाहते हैं आप? भाईजान, लानत है आपके सोच पर। अपने बेटे को बचाने के लिए आपने मोहरा भी बनाया तो अपने दामाद को। अगर इस खत का नाटक करना ही था तो इस खत पर किसी और का नाम डाल दिया होता। कम से कम आपकी बेटी के सुहाग पर आंच तो नहीं आती। आपने आज तक कभी किसी रिश्ते का लिहाज नहीं किया, कम से कम इसका तो किया होता। हम नहीं जानते कि वो कौन है जो हमारी जिंदगी को दुश्वार बना देना चाहता है, लेकिन आप उसके गुनाह का जरिया क्यों बन रहे हैं? खुदा की नजर में वो जितना गुनहगार है उतने ही गुनहगार आप लोग भी हैं। हमारे वहां ना होने की वजह से हमारे खानदान के लोगों पर कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है, आप नहीं जानते। हम पर रहम कीजिए। देखो शमा, मैं मजबूर हूं। तो फिर आपने हमें वो खबर क्यों सुनाई कि हमारी गिरफ्तारी के जुर्म में अल्तमश फिर से गिरफ्तार हो गए? अगर हम यहाँ से रिहा नहीं हो तो वो भी कभी रिहा नहीं हो पाएंगे। हमें छोड़ दीजिए। हमें जो काम दिया गया है हमें उसे पूरा करना है। अगर हमने ऐसा ना किया तो अपने पेशे के साथ गद्दारी होगी। गुनाह कोई पेशा नहीं होता, गुनाह सिर्फ गुनाह होता है। हाँ, अब तुम इसे गुनाह समझो या कुछ और, लेकिन हमारा पेशा तो यही है।